बिल्कुल मामूली सी एग्जाम नहीं है, ये बहुत टफ एग्जाम है। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले थे उस तरह का एग्जाम नहीं है, टफ एग्जाम है। नालंदा से किया है, लेकिन के पाठक सर से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग ने जिस सरकार की बात माना और एग्जाम दिया, सर से बस एक ही आग्रह है कि जो जिस जिला में है वही जिला उनको रखिए। हाँ, ब्लॉक चेंज करना है तो उसी जिला के ब्लॉक रैंडमली आप चेंज कर दीजिए। अब ये नहीं कि 300-400 किलोमीटर दूर आप दीजिएगा तो कोई उस जगह पर रहता है उसको फिर दूसरे जगह में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए आप प्लीज सर से रिक्वेस्ट है कि उसी जिला में रखिए जो जिस जिला में है, हाँ उसको पंचायत चेंज कर दीजिए, दूसरे ब्लॉक में डाल दीजिए, लेकिन जिला वही रखिए। परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं, एससी का स्थानांतरण की जो बात कर रही है उससे थोड़ा, हाँ वही प्रॉब्लम हम लोगों को, एससी का स्थानांतरण दीजिए, जो मन पसंद जो जिला वो दे दीजिए। और अगर कोई मान लीजिए कोई अपने होम ब्लॉक में है, अपने पंचायत में है, तो वो चेंज करके रैंडमली उस ब्लॉक को अपने होम ब्लॉक चेंज करके उसी जिला में दूसरे ब्लॉक में भले दे दीजिए। हमें आपत्ति नहीं था एग्जाम देने से, आपत्ति हमने एग्जाम दिया, बस जिला का ब्लॉक हमको होम ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक में उसी जिला को ही दे दीजिए, दूसरे जिला मत दीजिए। बस सर से यही रिक्वेस्ट है, सरकार से यही रिक्वेस्ट है। क्या कहेंगे, कैसा एग्जाम चल रहा है? ठीक ठाक एग्जाम है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जैसा एग्जाम दिया, अगर शिक्षित आदमी है तो वो एग्जाम में पास होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी चीज में एग्जाम में कुछ टफ आता है, कुछ आसान भी क्वेश्चन आता है, उससे घबराना नहीं है। हम शिक्षकों में इतना टैलेंट है कि TR 1 भी दिखा दिए कि हम नियोजित शिक्षक में कितना काबिल हैं हम लोग, और रिकॉर्ड भी तोड़े, फिर सक्षमता लिया गया। मेरा यह चैलेंज था कि रखा जाए एग्जाम, समय दिया जाए, यहाँ 9 से लेकर के 5 बजे तक 6 बजे तक विद्यालय में रहना पड़ता था, ड्यूटी करना पड़ता था, और उस पर भी एग्जाम लिया गया, फिर भी हम लोगों ने एग्जाम दिया। सरकार की बातों को हम लोगों ने माना, लेकिन सरकार को भी यह मानना होगा कि हम लोगों के अनुसार चलना होगा कि जो एक्सिक ट्रांसफर है वो दिया जाए हम लोगों को, बस इतना ही। मैं ट्रांसफर के बाद हम लोगों ने, हाँ एक्सिक ट्रांसफर दिया जाए। यह परीक्षा क्या सरकार, अगर जो समय मिलता तो मैं, हम शिक्षक IAS UPS भी दे सकते हैं, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और जो भी लिया गया एग्जाम उसमें भी हम शिक्षक आगे बढ़ चढ़ करके नंबर ला करके दिखाएंगे। कैसा चल रहा है एग्जाम सर आपके पास? बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि मामूली सी एग्जाम होगी, क्या उस तरह की एग्जाम चल रही है? मामूली एग्जाम रहे चाहे जैसे रहे, हमारा सवाल के पाठक जी से, वो एक IAS अफसर है और 10-15 साल नौकरी करने के बाद जब एग्जाम लिया जा रहा है, तो हमारा एक ही सवाल है कि आप सक्षमता में ही आप टॉप कर जाइए। आप तो IAS हैं, हमारे एग्जाम में हमारे साथ आप एग्जाम दीजिए, आप टॉप कर जाइए। जिस दिन टॉप कीजिए हम स्वतः रिजाइन मार देंगे। मतलब आप के पाठक को चैलेंज कर रहे हैं कि आप टॉप करिए? हाँ चैलेंज कर रहे हैं, अगर इसमें वो टॉप कर जाते हैं तो हम स्वतः रिजाइन मार देंगे। हाँ, जो परीक्षा ली जा रही है इसलिए कि 15 साल बाद एग्जाम लिया जा रहा है। हाँ, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप IAS है तो IAS का एग्जाम दीजिए, आप इसी एग्जाम में हम लोग के साथ बैठिए और टॉप कर जाइएगा, हम स्वतः रिजाइन मारेंगे।